जो लोग 90s के मूवी देखकर बड़ा हुआ हो, मैं आर्ली 90s की बात करूं, वो लोग अगर एक मूवी बनाए तो उन लोगों का दिमाग में हमेशा चलता रहेगा कि मैं 90s की तरह एक रोमांटिक लव स्टोरी बनाऊंगा। मेरे ख्याल से नीरज पांडे ने यही सोचा और इन्होंने औरों में कहा दम था, मूवी बना लिया और पूरा हक दिया। यही हुआ है इस मूवी के साथ। मूवी जिस ट्यून में शुरू होता है वो बहुत ही अच्छा है। पहले 15-20 मिनट बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि अजय देवगन और टब्बू का जो यंगर वर्षन जिन्होंने प्ले किया है, शांतनु महेश्वरी और साजी मंजरेकर जो महेश मंजरेकर की बेटी है, उन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है और उन दोनों का केमिस्ट्री भी ठीक ठाक लग रहा था। लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ता गया, फिल्म को पूरा हक दिया। कई जगह पे ऐसे कई सारे सीन है, आप लोगों को देख के सीरियल के याद आ जाएगा। कई सारे स्लो मोशन सीन, मतलब धीरे 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 जो सीन आ रहा है। एक सीन आप लोगों को ट्रेलर में देखा होगा, ट्रेलर में भी ये है सीन है कि जब बहुत दिनों के मारे, मतलब जेल से छूटने के बाद, जब अजय देवगन एक चौल में रहते हैं वहां पे टब्बू से मिलने के लिए आते, वो जो सीन यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ना, वो सीन देख के आप लोगों को ट्रेलर में शायद अच्छा लगा, लेकिन जब ओरिजिनल फिल्म में देखोगे ना तब आप लोग बोर हो जाओगे कि ये भाई क्या चल रहा है, कब खत्म करेगा। मतलब इतना लंबा सेट स्लो मोशन में ऐसे अजय देवगन के पास जा रहा है, अजय देवगन चल के आ रहा है, फिर टब्बू के पास जा रहा है, टब्बू दरवाजा खोला गाड़ी का, फिर वो ऊपर देख रही है। मतलब ये सब सीन, ऐसे कई सारे सीन है स्लो मोशन में लंबा लंबा खींचा गया है। 2 आवर्स 25 मिनट्स का मूवी है। आसानी से डेढ़ से पौने दो घंटे में इस मूवी को खत्म कर देना चाहिए। एडिटिंग बहुत ही खराब है, बहुत जगह में इस सीन को खींचा गया है। और इस मूवी का स्टोरी तो आप लोगों ने ट्रेलर देख के समझ गए होंगे, कृष्णा और वसुधा का लव स्टोरी है। उन दोनों में प्यार था, लेकिन एक इंसिडेंट किया कृष्णा ने यानी अजय देवगन ने, फिर उसके बाद उनको जेल जाना पड़ा। और जेल से छूटने के बाद वो जब लौटता है तब उनकी जो गर्लफ्रेंड थी उस टाइम पे उसकी शादी हो जाती है किसी के साथ, और उसके बाद क्या होता है, ये इस मूवी का स्टोरी। देखिए स्टोरी में लास्ट में एक ट्विस्ट है, जो ऐसा नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा ओके ओके टाइप का ट्विस्ट है। जो लोग बहुत मूवी देख चुके उन लोगों को समझ में आ जाएगा, जो लोग नया है उन लोगों के क्या है ऐसा लगेगा। लेकिन बाकी जो मूवी है ना, खासकर के बीच का पोर्शन स्टार्टिंग को छोड़ के पूरा मूवी मैंने हक दिया है, एकदम हक दिया है। मैं क्या बताऊं, एकदम खराब है, कई जगह पे सीरियल जैसे लगेगा। और एक मूवी का इंपॉर्टेंट चीज है इमोशन, ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट होना चाहिए, लेकिन इस मूवी में कई जगह कहीं पे भी आप इमोशनली कनेक्ट नहीं होगे। सिर्फ एक्टिंग देकर तो मूवी को मतलब पार नहीं कर सकते। अजय देवगन टब्बू बहुत ही अच्छे कलाकार है, उन दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया। स्पेशली मैं कहूंगा जो शांतनु महेश्वरी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया। साजी मंजरेकर की थर्ड फिल्म है, लेकिन काफी बेहतर हुआ है उनकी काम। दबंग 3 में जिस प्रकार की थी, अब काफी बेहतर हुआ, काफी बेहतर। उन दोनों का जो केमिस्ट्री, शांतनु महेश्वरी और साजी मंजरेकर, इन दोनों का केमिस्ट्री काफी अच्छा है। जिमी शेरगिल का रोल छोटा है, लेकिन उन्होंने अच्छा काम किया। और म्यूजिक की बात करूंगा, एम एम किरावानी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है। बीजीएम कई जगह पे बहुत ही अच्छा है, 90s की फ्लेवर लाने की कोशिश किया है डायरेक्टर ने। और सिर्फ म्यूजिक की वजह से इस मूवी का 90s का फ्लेवर आया, लेकिन सीन में कोई दम नहीं है। स्क्रिप्ट बहुत ही खराब है, स्क्रीन पे तो और भी खराब है। सीन को लंबे लंबे खींचा गया है और इसलिए कई जगह पे ना बोर लगने लगता है, कब खत्म कर भाई, अब खत्म कर ऐसा लगने लगेगा। हाफ टाइम में भी आप लोगों को ऐसा लगेगा कि भाई उठ के चला जाओ, लेकिन पैसा दिया तो देखना पड़ेगा, ऐसा ही सिचुएशन हो चुका है। और मुझे लगता है ये मूवी अजय देवगन के करियर का कुछ इंपैक्ट दूर की बात एक काला धब्बा बन के रह जाएगा, क्योंकि इस मूवी में कुछ है ही नहीं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये मूवी कितना लोएस्ट कलेक्शन करेगी, यही मैं सोच के थोड़ा डर रहा हूं। ऐसा हो सकता है कि अक्षय कुमार का सरफिरा मूवी से भी ये मूवी कम कलेक्शन करे, क्योंकि इस मूवी में उस प्रकार का दम है ही नहीं। ना एक्शन है, ना रोमांस करने की कोशिश किया है, लेकिन रोमांटिक सीन बिल्कुल जमा नहीं। मेरे हिसाब से अजय देवगन और टब्बू को छोड़ के अगर वो यंगर वर्षन का जो शांतनु महेश्वरी और साजी मंजरेकर को पूरा मूवी में लिया जाता तो बेहतर होता। और मैं इस मूवी को इस वजह से 5 में से 1 स्टार देना चाहूंगा। ये औरों में कहा दम था को मैं 1 स्टार दूंगा। अगर आप लोगों ने ये मूवी देखा है तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइए आप लोगों को ये मूवी कैसा लगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नए नए अपडेट के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।